डीजीबी में एंटर होते ही एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, बैगेज एक्सरे, मेटल डिटेक्टर्स। इस पॉइंट पर और आगे लॉबी में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जिसे डीजीपी के सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे सर्वेलेंस रूम से मॉनिटर करते हैं। ग्राउंड लेवल से वॉल्ट में एंटर करने के लिए एक दरवाजा है। अब यह दरवाजा पासवर्ड से कंट्रोल किया जा सकता है। अंदर सीढ़ियां हैं जो अंडरग्राउंड लेवल तक जाती है। वहां पर एक मेटल गेट है जिसके दूसरी तरफ दो आर्म्ड गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस क्लेम किए बिना आगे बढ़ पाए तो इसके बाद है प्रिंटिंग चेंबर का पहला दरवाजा, जिसकी चाबी उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम अगला दरवाजा है, मेन वॉल्ट का। ये पूरा का पूरा चेंबर सॉलिड स्टील से बना हुआ है। अब इमरजेंसी में प्रोसीजर ये है कि उस दरवाजे को लॉक कर दें और उसके सारे कंट्रोल्स को तोड़ दें, मतलब उसे नॉर्मल तरीके से खोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, हम एक्सप्लोजिव से दरवाजे को उड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं सर, प्लीज डोंट इवन थिंक ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि अगर उसे किसी और तरीके से खोलने की कोशिश भी की गई, दो चीजें होंगी। पहली चीज, इस चेंबर में केमिकल गैस ऑटोमेटिकली रिलीज होगी। अब ये गैस लीथल तो नहीं है, लेकिन आदमी को 12 घंटे तक बेहोश रख सकती है। और दूसरी चीज, दरवाजे और सेफ के बीच में एक पैसेज है जो 20 फुट लंबी है। अब इस पैसेज में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो हल्के से हल्के प्रेशर से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? आई डोंट नो सर, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो उस पर सांस लेने की भी गलती नहीं करता। Jabbar and his team of five, they will wait here. Two of you, go up and wait for us on the fifth floor by this window. Jabbar, explosives, guns, ammunition. Unka nizam tum kar rahe. Don, DZB se bahar nikalne ka plan kya hai? ये बेसमेंट में सर्विस एग्जिट है। आयशा वहां एक पुलिस वैन में हमारा इंतजार करेगी। हम उस पुलिस वैन में छुपकर और बिना कोई ड्रामा किए वहां से निकल जाएंगे। दैट्स इट। या दैट्स इट। क्यों, तुम्हारे पास कोई बेहतर प्लान है? I thought so. Then I guess हमें मेरे प्लान से काम चलाना पड़ेगा। Ivan, कल 3 बजे पॉल लोबा हाउस के पीछे, एंड प्लीज दीवान वक्त पर आ जाना। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं डॉन को अच्छी तरह से जानता हूं। वो तुम्हें, मुझे या किसी को भी अपने फायदे के लिए दस सकता है। अच्छा, तो फिर उस सांप के पिटारे में तुम क्या कर रहे हो? मैं बस उसका प्लान जानना चाहता था। उस पर भरोसा करने की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। एंड क्वाइट फ्रेंकली जब्बा, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉन के एग्जिट प्लान के मुताबिक तुम वहां से जिंदा नहीं निकलोगे। जिंदा तो डॉन यहां से नहीं निकलेगा। चुप कर। अभी नहीं, प्लेट्स मिल जाने के बाद।
ये तो मानना पड़ेगा कि डॉन के प्लान में दम है, लेकिन एक बार वो प्लेट्स हमारे हाथ लग जाए तो सोचो पैसों की बारिश होगी। और डॉन, जब तक पुलिस को डॉन की लाश उस बिल्डिंग के किसी कोने में पड़ी मिलेगी, हम उसके बताए हुए रास्ते से कब का निकल चुके होंगे। That's it. Hey. Hey. How are you? I'm good, baby. Good. Just miss you. I miss you too. They're working you hard. You sound tired. Well, just a few more days and I'll be back. I'm really proud of you, Sam. You know I'm doing this for us, right? I love you. Please take care of yourself. And call me, all right? ये सच है कि चेहरा मिस्टर दीवान से मिलता है, लेकिन ये भी सच है कि हम सिर्फ एक आदमी की याददाश्त पर यकीन कर रहे हैं। I know, sir. लेकिन मुझे यकीन है कि वो सही है। ठीक है, उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। थैंक यू सर। रोमा जी, याद रहे जेके दीवान एक बहुत ही इज्जतदार आदमी है, तो अपने सवालों के अल्फाज सोच समझ कर चुनना। I understand, sir. हेलो, आई एम सॉरी दीवान, तुम्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ा, पर मुझे हमारी मीटिंग रीशेड्यूल करनी होगी। डीजी भी जाओ और मेरे कॉल का इंतजार करो। पर hier ist der Kleber fast schon. I'm sorry. Hello, DZB. Now what? Now we record.